नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। ट्रक में प्याज है, नया प्याज है, सोलन सब्जी मंडी में आ गया है। प्याज की नई खेप सोलन सब्जी मंडी में पहुंच गई है। किस भाव बिक रही है यह भी जानकारी देंगे। मंडी में लगातार नासिक से प्याज की आपूर्ति लगातार हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नासिक का प्याज सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रहा है और जब से नासिक का प्याज मंडी में आना शुरू हुआ है तो प्याज के भाव में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि एक समय प्याज जहां मंडी में करीब 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, अब पिछले काफ़ी समय से प्याज का रेट हालांकि अभी भी तेज हम कह सकते हैं, क्योंकि 20 रुपये से ऊपर प्याज के दाम अभी भी बने हुए हैं। 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में चाहे प्याज की नई खेप हो चाहे पुरानी हो, वो इस वक्त बिक रही है। 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में प्याज बिक रहा है। आजकल के दिनों में प्याज का भाव वैसे तो 20 रुपये से नीचे होता था, डाउन होता था, लेकिन अब इस बार प्याज के रेट में तेजी ही देखने को मिली है। पूरा सीजन हो गया है, 1 अक्टूबर के महीने से प्याज के रेट बढ़ने शुरू हुए थे और अब अप्रैल का महीना भी शुरू हो चुका है, 1 सप्ताह खत्म हो गया, लेकिन प्याज के भाव 20 रुपये से कम अभी तक नहीं आए हैं। क्या वजह रही है? वजह है यह है कि मंडी में नासिक से प्याज का लगातार दूसरे देशों को निर्यात हो रहा है और यही वजह है कि प्याज के रेट नासिक में लगातार बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से ही मंडियों में, चाहे हिमाचल प्रदेश की मंडियाँ हों या फिर देश भर की मंडियाँ हों, वहाँ पर प्याज के भाव में तेज़ी देखने को मिल रही है। मटर की आपूर्ति मंडी में हो रही है। मटर आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि सोलन सब्जी मंडी में मटर की गाड़ियाँ पहुँची हुई है। बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त मटर आ रहा है। मटर के भाव की बात करें और मंडी से मटर है पटड़ी घाट का मटर सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त पहुँचा हुआ है। सरका घाट एरिए से भी है, हालांकि गाड़ी वहाँ की हो सकती है, लेकिन मटर या तो चायल चौक का हुआ या फिर करसो का, और मटर के आसपास के बल घाटी का भी मटर सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है। तो आप तस्वीरें देखें कि सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त मटर दूसरे जिलों से बड़ी मात्रा में आ रहा है और विशेषकर मंडी ज़िला से, क्योंकि मंडी में मटर का बहुत अधिक उत्पादन होता है। मंडी ज़िला से मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त हो रही है और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा यदि हम आलू की बात करें तो आलू के भाव में तेजी है। 14 रुपये से लेकर 19 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज आलू बिक रहा है और प्याज की नई खेप भी आई है मंडी में, लेकिन भाव में कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। अभी भी प्याज 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि प्याज के भाव में थोड़ी गिरावट अब देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि नासिक में ही प्याज के रेट में तेज़ी देखने को मिल रही है और उसके बाद से प्याज के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पिछले लंबे समय से प्याज का रेट वैसे 20 रुपये से ऊपर ही बना हुआ है। अक्टूबर के महीने में तो रफ्तार एक प्याज ने पकड़ी थी, लेकिन उस वक्त भी 20-22 रुपये के बीच में ही प्याज बिक रहा था सितंबर के महीने में। लेकिन बीच में आजकल के दिनों में करीब फरवरी और मार्च के बीच में प्याज का रेट एक समय 16 रुपये तक पहुँच गया था, तो लग रहा था कि प्याज का अब रेट कंट्रोल में है और नियंत्रित हो चुकी है प्याज की कीमतें। लेकिन उसके बाद फिर प्याज के भाव में तेज़ी देखने को मिली और अब 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज मंडी में बिक रहा है। तो बाज़ार में प्याज का रेट करीब 35-40 रुपये प्रति किलो के साथ ही खुल रहा है। यदि हम गोभी की बात करें तो गोभी भी अभी 24 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिकी, लेकिन जो सब्जी विक्रेता तो उनका कहना है कि दुकान में तो 40 रुपये ही बिकेगी, क्योंकि परिवहन का खर्चा भी है और साथ में वेस्ट मटेरियल भी काफ़ी निकलता है और इसलिए भी 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही बिकेगी। तो प्याज भी 35-40 रुपये के बीच में ही सोलन बाज़ार में ही नहीं बल्कि देश भर के
जिला भर के बाजारों में बिक रहा है और यही वजह है कि आम उपभोक्ता थोड़ा परेशान नजर आ रहा है क्योंकि महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी है। यदि भिंडी, करेला और शिमला मिर्च के रेट देखें तो ये 60 रुपए से ऊपर बने हुए हैं और शिमला फ्रांस बीन 40 रुपए के आसपास है और घिया भी 16 रुपए और 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में ही बिक रहा है। कद्दू का भी यही रेट है। कल तक गोभी सस्ती थी, आज गोभी 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी है। तो सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है, सब्जियों के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं, दालें तो पहले से ही महंगी बिक रही है। तो कुल मिलाकर महंगाई की चौतरफा मार उपभोक्ता झेल रहे हैं, आम आदमी झेल रहा है। सूर्य से सुरेंद्र जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रवि कुमार जी, लहसुन देसरा जी वही है 130 रुपए। मदन लाल जी मरसा जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दिलीप सिंह जी का स्वागत है। कंवर विपिन जी का स्वागत है। वीर सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। सुरेश शर्मा जी का, चंद्रकांत शर्मा जी मरसा सोलन से जुड़े हैं तो उनका भी आभार है। अशोक कुमार जी जुड़े हैं तो उनका भी आभार हम व्यक्त करते हैं। तो सोलन सब्जी मंडी में प्याज के भाव आज 23 रुपए हैं, लहसुन 130 रुपए और आलू 14 रुपए से लेकर 19 रुपए और आलू पहुँच रहा आ रहा है मंडी में। उन्ना का आलू बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में 19 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यह आलू मंडी में बिक रहा है। बाकी सब्जियों के रेट में कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला, उसी तरह के भाव है। तीन सब्जियां 60 रुपए से ऊपर है। ये तीन के चार ही जोड़ लें, उसमें कटहल भी जोड़ दें तो चार सब्जियाँ हैं। चार सब्जियों के 60 रुपए से ऊपर भाव है, जिसमें करेला है, भिंडी है, शिमला मिर्च है और कटहल 60 से 65 और अदरक में तेजी है 150 रुपए के आसपास है। मशरूम 110 से 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है। बंद गोभी आज मंडी में, मटर अभी भाव वैसे खुला नहीं पर 45 रुपए से लेकर 47 रुपए के बीच में भाव रहने की संभावना है। और एक दुकान में खुला था 15 नंबर में और वहाँ पर 45 से 47 रुपए के बीच में मटर बिका है। मनोहर लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। और करसोग का मटर आज मंडी में बिके 45 से 47 रुपए के बीच में। आम मटर का रेट, करसोग के मटर का रेट हम थोड़ी देर बाद ही बता पाएंगे क्योंकि रेट अभी पूरी तरह से खुले नहीं हैं। और 45 से 47 रुपए के बीच में मटर का रेट बताया जा रहा है कि एक दुकान में खुला है लेकिन बाकी जगह पर अभी मटर अनलोड हो रहा है और जब तक भाव खुले नहीं हैं, चाहे वो करसोग का हो। और ये जो मटर आप देख रहे हैं, ये मंडी के जिला से ही मटर की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हुई है। तो सोलन सब्जी मंडी की तस्वीर है इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ी मात्रा में। राकेश शर्मा जी और काशीपूर्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं और जैसे ही मटर के भाव खुलेंगे उसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। राजवीर जी चुकंदर का रेट जानना चाह रहे होंगे तो 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है।